सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब सपोर्ट करने वाले हमारी इस फिल्म को। आप लोगों ने ट्रेलर देखा, गाने देखे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। मुझे याद है जब पहली बार सैम ये कहानी लेकर मेरे पास आए थे तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन टाइमिंग देखिए रिलीज की कि पिछले 4-5 महीनों से पेपरों में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बातें कर रहे हैं और उनका मानना है कि हिंदुस्तान जो है आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे लीडिंग फोर्स होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और फिल्म की टाइमिंग भी अच्छी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बैकड्रॉप है, फिल्म बिल्कुल ही एक थ्रिलर मोड का है, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल्स है, सस्पेंस बहुत जबरदस्त है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, वो फिल्म आप देखेंगे तो समझेंगे, एंड तक आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। मेरे लिए ये एक फेदर इन माय कैप है क्योंकि जब मैं शूटिंग करने लंदन गया था तो मैं इन लोगों को नहीं जानता था। अक्सर किसी नए सेटअप में जाते हैं तो अपने आप को उस सेटअप में ढूंढना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने वो एटमोसफियर इतना अच्छा और वेलकमिंग बनाया था कि फिल्मिंग करते वक्त मुझे बहुत मजा आया। इनकी टीम बहुत सॉलिड है, इतनी एफिशिएंट टीम है, मैं क्या बताऊं आपको। हमारे यहाँ पे आप जानते ही हैं 160-180 लोगों की टीम होती है, इनकी टीम शायद 60-80 लोगों की थी लेकिन काम कर रहे थे 200 लोगों का। तो फिल्में ऐसी बनती हैं, ऐसी बननी चाहिए। करिश्मा के साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छी दोस्त है, मित्र है मेरी कई सालों से, लेकिन इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मेरा ये मानना है कि वन ऑफ द प्रीटीस्ट को-एक्टर्स आई हैव वर्क्ड विद, करिश्मा थैंक यू फॉर बीइंग ऑन बोर्ड। रक्षित ने बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया है, इंग्रून का बहुत अच्छे किरदार निभाए इन्होंने पहले भी, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही यूनिक किरदार निभाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ये फिल्म देखें और स्प्रेड द वर्ड कि आयरा आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हो कि आयरा है क्या, आयरा का मतलब क्या है। इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम है हरी, हरी को उल्टा करें तो क्या होता है, आयरा। That's the title of the film. It's about artificial intelligence. और जैसा आपने देखा, I'm the creator of that artificial intelligence. आज आप किसी की भी जब मृत्यु होती है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन आयरा द्वारा आप पहले से उनकी आवाज, उनकी शक्ल, उनका पूरा नजरिया कैप्चर कर सकते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी ऐसा लगे कि वो आपके साथ खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। That is why you need to see Aira. So please go to the theaters and enjoy yourself. और 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है, ये पिक्चर भी 5 तारीख को रिलीज हो रही है। तो your birthday gift to me is to go and see the film in the theaters. Thank you. Hi everyone, thank you for joining us. I think Rohit has said everything and I agree with you. We shot this movie, humne shoot kiya tha, I think a little while ago, so it's nice that it's releasing. Aur maine khud trailer nahi dekha tha aur gaana nahi dekha tha, so I'm very happy. I hope you guys like it and just give us all your love. It's been a fantastic experience working with Sam. We had a lot of frustrations then working for the movie with a limited team and so it's set. But I think it's a very different concept, very new, not like a normal romantic film or something that's predictable. So बहुत बहुत मेहनत किया पूरे टीम ने. So thank you once again. सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जाके देखें on 4th of April. और दूसरी बात, हमने जब ट्रेलर देखा पहली बार तो स्मॉल स्क्रीन में देखा, क्योंकि फोन में इतना एक्साइटेड हमें देखने के लिए तो ऑन कर दिया और उसको देखने लगा। पर यहाँ बैठ के बिग स्क्रीन में देखने का जो पूरा मजा है वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। ऐसा लगा मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ। तो थैंक्स वंस अगेन, आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग लवली गॉर्जियस। ये जो आपने एक सीन देखा होगा उसमें बड़ा सा ऐसा ग्लोब बना हुआ है, यस यस, दैट इज द ब्रेन ऑफ एआई। जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं ऐसा दूसरा मेरा जो डायलॉग था मैं पूछा और तो देखो मेरे सामने कुछ नहीं है, एम्प्टी सा पास एम्प्टी रूम है। मैंने बोला यार सैम मैं डायलॉग किसको बोल रहा हूं, भूले नहीं, यू से वहां पे ब्रेन आ जाएगा। वैसे ही तो हमने शूटिंग की, अभी पूरा वीएफएक्स लाइक ही सेट 1600 वीएफएक्स के शॉट्स है, मेरे सामने कभी कभी कुछ नहीं होता था और पूरे पैशन के साथ मैं डायलॉग बोल रहा हूं हवा को। फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे वीएफएक्स के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वीएफएक्स के साथ शूटिंग करना, बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत वीएफएक्स होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था।
तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, बोला यार एक डायलॉग किसको बोल रहा हूँ, आने क्या वाला है? तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा VFX, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं, और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं। लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वॉज क्वाइट यूज टू टॉकिंग टू नोबडी, और अब मैं तैयार हूँ अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूंगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो जिंदगी भर ताज जिंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे, बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं। और इस ऐप को यूज करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है, कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से ना उठें क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। अब इतना बड़ा हिट दे दिया तो आप लोग क्लाइमैक्स जरूर देखिएगा। ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था, DOP वगैरह को पहली बार मिल रहा था। शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर है सैम मेरे पास आए, बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है, मैं शेयर करूं क्या? सर हाँ शेयर करिए। बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूं। अच्छा, अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज हो जाता है यार, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहां तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है, तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया, और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया। मैंने बोला ये चाहते हैं आप? बोले हाँ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी। मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वैसी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसा आप बोलते हैं कि अच्छा अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी, पिक्चर तो ये है, तो उस किस्म का एक एंड है। और बाकी तो थ्रिल है, रोमांस है, ड्रामा है, करिश्मा कोटक है, तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग जरूर जाइए देखने के लिए। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा, तो दो भाग में आपका जवाब दे देता हूँ। ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन AI को यूज करके जो स्कैम्स कर सकती है कोई भी इंसान। मुझसे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब? मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहां गिरता है हानि वहीं पे होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब देखो हर चीज टेक्नोलॉजी का जहां तक ताल्लुक है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहां पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे चल के अगर ये हो चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने ChatGPT मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहां पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें, तो ये सारी चीजें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है, तो होपफुली इट बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूं, मैं कभी ऐसी चीजें ना बोलता हूं, ना मेरी जिंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूं, तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है, और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह तो मैं उसे जाके जवाब देता हूं। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम, मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक
नॉर्मल सा कमेंट रखा था तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया, तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंद है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है और इसका मतलब ये है ये नहीं है। तो काफी लोगों ने फिर अपोलोजाइज भी किया। ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताए अपना पक्ष रखे तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले जब कोविड आया था, तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं। तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, पर यूजली आई काइंड ऑफ एंगेज विद समबडी हु इज रिटन समथिंग रॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर कोई कंट्री के बारे में या रिलीजियस कॉमेंट करता है उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनीबडी सेइंग एनीथिंग अबाउट माई कंट्री और टेक अप अ रिलीजियस डिबेट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या डीएम करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलीजियस कॉमेंट करो तो सडनली आप कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी तो ये एक आग बन जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट काइंड ऑफ कॉमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक एरीज हूँ, एरीज लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं विल ब्रिंग इन माय बर्थडे विद आयरा। और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है। एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म बनाकर और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फिल्म का जो कॉन्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, तो आई थिंक सबको मजा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से, भाई बंद, रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। एआई टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को तो फायदा ही होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में, जैसे प्रणव जी ने हमारा VFX किया है, अगर किसी सही इंसान के हाथ में आ गया तो आप स्क्रिप्टें लिख सकते हैं, आप दिमाग में आइडिया सोचते हैं। मैंने भी हाल ही में ChatGPT यूज किया था तो मैंने जो थॉट था मेरे माइंड में, 5 राइटर को बुला के वो थॉट आपको पेपर पे डालना पड़ता है, लेकिन आप ChatGPT को कहोगे बॉय मीट्स गर्ल, दे गो ऑन अ बाइक राइड, एक्सीडेंट होता है, विलेन आता है, ये होता है, इसकी कहानी बना के बताओ, तो आपको 30 सेकंड में एक सिनॉप्सिस मिल जाता है, तो आपको फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक AI से बहुत फायदा हो सकता है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कितना फायदा कितना नुकसान होता है। इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी ISPL एंकर किया है तो मैं काफी एंकरिंग करती हूं, सो आई एम ऑलवेज होस्टिंग क्रिकेट लीग्स। बट यस इट्स वेरी नाइस क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ तो इट्स नाइस टू शूट एट होम क्योंकि माई मॉम एंड ब्रदर नेवर सी माई वर्क बिकॉज आई एम ऑलवेज इन इंडिया, सो इट्स नाइस दैट माई फैमिली कुड बी देयर। मैंने लंदन में अपने घर से 15 मिनट दूर था लोकेशन, सो दैट वॉज वेरी नाइस, सो इट्स ऑलवेज गुड टू शूट इन लंदन। एंड जैसे कि रोहित जी ने बताया इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई थिंक एवरीबडी इज गोना लाइक इट। आई कांट टेल यू टू मच अबाउट हर बिकॉज आई विल रिवील टू मच। आई ऑल्सो थिंक आई नीड टू वॉच द मूवी एज वेल टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई थिंक पीपल ट्रोलिंग इज ऑफुल, आई थिंक इट्स रियली मीन, काफी चीजें जो लोग लिखते हैं you know it's not nice, but I just delete it, I ignore it, and what else can you do? So no trolling, everybody has to be nice to everyone. I think social media, artificial intelligence, all of these things are good if it's used in a healthy way and a constructive way. So I hope everyone likes the movie and no trolling. Actually she's quite similar to me kyunki वो लड़की भी लंदन से है तो she also has an accent, so all of that worked, but I worked a lot with Sam and Rohit and together we made it happen. It was really really fun working with everybody. जैसे कि मैंने कहा
not only is it an interesting concept, it's nice to shoot in London. It was nice for me to shoot there. So overall, it was good. I think exactly, it's a really good question. The fact is that there haven't been many movies in India about artificial intelligence. Artificial intelligence kya hai? You know, logo ko pata hi nahi hai. So I think this is a really interesting concept. And obviously, Sam is ahead of his time. He's sort of a very good story. And you know, when the person tells you the story and when you're listening to it and when you're acting, it's two different things. But this wasn't that. It was very, very to the script. जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज के ऊपर नहीं है, तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल इज़ द टॉक That's happening. So, उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहेंसर है जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में. तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया है, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर डार्क साइड दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत ईजी हो गया है, फोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ ईजी हो जाता है. लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है. तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ये सारे कैरेक्टर्स मिल के इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक नया नया चेहरा देते हैं इस ऐप को. लेकिन वहाँ से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होकर सारी चीज़ें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं, वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है. तो प्लीज़ देखें एज एन एक्टर. ये एक्चुअली मेरी पहली हिंदी फिल्म है, सो हाई टू एवरीबडी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अलग है, तो इसमें जिस तरीके से शूट किया गया है वो भी बहुत अलग है. ये नॉर्मल जैसे हर सीन आप किसी को एक्टर के साथ खड़े होके डायलॉग्स बोल के इंटरेक्ट करते हो वैसा वाला नहीं था. बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स और फेस टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कई की गई हैं जिसमें डायलॉग्स तो दी जाती हैं आपको. सैम जी ने काफ़ी सारे डायलॉग्स दी थे, तो मैंने सोचा कि मेरे को एक्टर्स के साथ फेस टू फेस होगा, लेकिन जैसे रोहित जी ने बताया फेस टू फेस बिल्कुल नहीं था. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायलॉग्स थी जो आपको सिर्फ हवा में ऐसे बोलनी पड़ी, ग्रीन स्क्रीन था. तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन सैम एज अ डायरेक्टर बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कैमरा ऑन है और हम शूट कर रहे हैं. तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस. आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था. इस नॉट अ मींस हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट तीन साल से, दो तीन साल से इस पे VFX का काम चला हुआ है, एवरीथिंग. दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू. बेसिकली जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पे करेक्शन आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है. बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम. बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI. जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि यू नो पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ and all the management and everything is done through your zoom calls and everything. So humne socha ki kuch naya karte hai aur iska kya repercussions hai aadmi ko samjhate. So obviously that was the idea how it was set, and now means it is the right time when jo badh gaya hai, jo abhi jo situation hai, it is quite right to the time. Rohit ji is a best fit in the character. Jab aap dekhoge wo aapko samajh mein aayega. बिकॉज इसपे जो है मैं ज़्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ. मतलब मैंने तो इस पर सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया. सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा. तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक. हमने किसी को भी चूज किया है, हमने बहुत कुछ सोच के चूज किया है. Compatibility or understanding or believing a concept like this is not easy. मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूंगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स
दे आर वेरी स्पेसिफिक क्या उनको क्या दिख रहा है, बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज्यादा है. सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं. So obviously he's the right choice. AI will never replace humanity. I don't trust that statement. But I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे industry में तो film making में तो definitely कभी आपका है ना आदमी का replacement कभी computer कर नहीं सकता. आप computer को आपका slave बना सकते हो. If you are doing the right things with your computer, it can let you be more productive. That's the whole idea of AI.